हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। सो अभी मार्केट में एक नया स्कैम चल रहा है। ऐसा स्कैम इतना डेंजरस कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपके साथ स्कैम हो रहा है और स्कैम हो भी जाएगा। एक जरा सी लापरवाही सारा कुछ, सारी मेहनत की कमाई आपकी बर्बाद कर देगी। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि आपके साथ कोई भी स्कैम ना हो सके। तो अभी क्या हुआ, दो दिन पहले की बात है, मेरे पास एक कॉल आया और कॉल करके एक बंदा मेरे को बोलता है कि आपका ऑर्डर जो है वो डिलीवरी बॉय लेकर के निकल चुका है। उसने सेम ऐसी चीज बोली कि आपका ऑर्डर जो है वो डिलीवरी बॉय लेकर के निकल चुका है, लेकिन उसको आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, वरना आज तक कभी भी ऐसा मेरे पास कॉल ही नहीं आया कि आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है। तो मुझे तभी थोड़ा सा ऐसा शंका हुआ कि मैं जहां से भी जब भी ऑर्डर प्लेस करती हूँ, प्रॉपर मेरा जो एड्रेस होता है उस एड्रेस पे रूम तक डिलीवर होता है। मतलब ठीक है, आज तक कभी ऐसे एड्रेस पूछने के लिए कुछ ऐसा आया ही नहीं कि आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है। चाहे मैं ऑनलाइन कोई फूड ऑर्डर कर रही हूँ या फिर ऑनलाइन कोई मैंने प्रोडक्ट वगैरह शॉपिंग वगैरह की है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो जब उसने बोला मेरे को कॉल करके कि आपका ऑर्डर जो है डिलीवर लेके निकल चुका है लेकिन एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम करिए, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। मतलब उसने खुद बोला कि आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, नंबर डायल करिए अपने फोन से। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा कौन से नंबर पे, कौन सा नंबर डायल करना है? उसने नंबर बोला करके, ठीक है, उस नंबर के आगे उसने बोला कि आप *401* करके उस नंबर के आगे मतलब ये डायल करिए, *401* उसके बाद फोन नंबर। ठीक है, तो मैंने कहा ये नंबर क्यों आगे लिखना है? तो मुझसे बोलता क्या है कि वो कंपनी का ही ऑर्डर, मतलब कंपनी का ही ये कोड है, इसके बिना मतलब डिलीवरी बॉय से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाएगा आपका। तो मैंने कहा ओके, बट मैंने कहा मुझे नहीं करना कोई कांटेक्ट, मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए करके मैंने सिंपल ऐसे बोल दिया। ठीक है, तो फिर उसने बोला कि नहीं नहीं मैम, आप इस पर कॉल कर लीजिए। मतलब वो दो तीन बार ऐसे रिपीट करता गया, उसके बाद मैंने डायरेक्ट फोन कट कर दिया। उसके बाद जब मैंने सर्च किया ना, *401* से क्या होता है, आपका जो कॉल होती है ना, आपके नंबर की कॉल फॉरवर्डिंग लग जाती है। मतलब कि आपके नंबर पे जितने कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, जितने SMS आ रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के बैंक अकाउंट की डिटेल्स तक के जितने भी मैसेजेस OTP आ रहे हैं, वो सब के सब उसके पास चले जाएंगे। मतलब कॉल फॉरवर्डिंग, मतलब सारी चीजें आपकी उस दूसरे वाले बंदे के पास चल जाएंगे। तो ये एक तरीके का स्कैम हो रहा था, ये को मैं मतलब बच गई। इतना मेरे दिमाग था, मैंने कहा आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि एड्रेस ना मिल रहा हो। और अगर हम डिलीवरी बॉय को कॉल करते हैं तो वहां पे ऑप्शन आता है, चाहे अगर हम स्विगी से कर रहे हैं या फिर हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो ऑलरेडी डिलीवरी बॉय का नंबर दिया रहता है। आज तक किसी भी डिलीवरी बॉय के नंबर के पहले ऐसा कुछ स्टार और हैशटैग वाला ऐसा कुछ यूज नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि भाई ये कुछ तो स्कैम चल रहा है। फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन भी देखा तो ये बहुत ज्यादा इन दिनों स्कैम चल रहा है, मोस्टली लोगों के साथ में हो रहा है। तो मुझे लगा आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि आपके साथ अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आगे ना हो पाए, आप एकदम सावधान रहें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों के साथ में स्कैम ना हो पाए। कोई भी अगर आपको बोल रहा है फोन नंबर के आगे कुछ ऐसी चीजें लगाने को, *4, तो इसका क्या मतलब होता है? कॉल फॉरवर्डिंग का मतलब आपका कोई बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, OTP वगैरह है, आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं ना, तुरंत के तुरंत मतलब सारे चले जाएंगे उस हैकर के पास में। तो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अगर आप इंस्टाग्राम पे आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, आप अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म से आप अर्निंग कर रहे हो, सारी की सारी चीजें उसके पास चली जाएंगी। तो आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी एक लापरवाही की वजह से। तो बहुत ध्यान रहे, इन दिनों बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है। अभी ये तो बिल्कुल नया नया चल रहा है, इससे पहले मीशो के डिलीवरी बॉयज का स्कैम भी बहुत ज्यादा चल रहा था, इवन अभी भी हो रहा है। मेरे मोस्टली सब्सक्राइबर के साथ में ऐसा हुआ कि उनका अकाउंट हैक हुआ मीशो वाला। क्या होता है कि मीशो के डिलीवरी बॉयज आते हैं, कॉल करते, बोलते आपका ऑर्डर है, ये OTP आप बता दीजिए, तो वो OTP वो शेयर कर देते हैं और वो OTP उनके अकाउंट लॉगिन का होता है। इसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया था कि आप बिल्कुल भी अकाउंट हैक होने से कैसे बचाएं, कैसे पता करें, कौन सा कोड है, सारा चीज मैंने इस वीडियो में बताया है। तो अगर ये स्कैम आपने नहीं देखा तो वो भी जाकर के जरूर देख लेना। इन दिनों भाई बहुत ज्यादा ये ऑनलाइन स्कैम चल रहा है, बच के रहो। एक एक चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो सके। ये तो अभी रिसेंटली चल रहा है कि आपके पास कॉल आता है और कॉल करके वो बोलते हैं ये नंबर डायल करें और इस नंबर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें। अगर आप पूछते भी हो उनको कि ये किस चीज के लिए, तो बोलते कंपनी का कोड है, तो आप डायरेक्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आप कॉल कर लेते हो। तो प्लीज इस तरीके से ना करें। कॉल फॉरवर्डिंग इस समय चल रहा है, आपकी सारी डिटेल्स उनके पास चली जाती हैं, अकाउंट्स, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सारी चीजें उनके पास चली जाती हैं। ठीक है, ये भी रिसेंटली जो चल रहा है, इससे बच के रहें, ये आपको मैंने बता दिया। सेकेंड, ये मीशो के डिलीवरी बॉय जो OTP वगैरह आपको शेयर करते हैं, आप डायरेक्ट OTP उनको शेयर कर देते हो। पढ़ो पहले कि वो किस चीज के लिए है OTP, उसके बाद में शेयर करो। और मैंने ऑलरेडी प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, उसमें बताया है कौन सी OTP किस चीज के लिए जाता है। तो ये भी
वीडियो देख लेना अगर नहीं देखा है तो, ये भी स्कैम से बच के रहो। तीसरा, जो मार्केट प्लेस का स्कैम जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, फेक बायर्स आपको मैसेज करते हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए कि हाँ मुझे ऑर्डर चाहिए और मैं इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ, और आप खुशी खुशी मतलब उनको अकाउंट डिटेल्स है या फिर पेटीएम यूपीआई स्कैनर जो है वो आप भेज देते हैं और आपके साथ में स्कैम हो जाता है, आपका अकाउंट हैक हो जाता है। तो प्लीज़ ये जो ऑनलाइन पेमेंट को लेकर ऑनलाइन स्कैम अभी जो चल रहा है ना, स्पेशली ऑनलाइन शॉपिंग वालों के लिए जो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ सामान मंगाते रहते हैं और इतना मतलब नहीं सोचते कि ऐसा भी हो सकता, बट ऐसा हो रहा है। इसी चीज़ का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं कि डिलीवरी बॉयज़ के थ्रू मतलब इस टाइप से हैकिंग होने लगी कि किसी का दिमाग ही नहीं जाएगा कि डिलीवरी बॉयज आ रहा है, पार्सल देने के लिए आ रहा है, एंड हम उसको ओटीपी नॉर्मल ऑनलाइन पेमेंट पे हमको ओटीपी शेयर करना होता है। ये सारी चीज़ें ऑब्वियस है, तो अभी इस चीज़ का फायदा उठा करके लोग स्कैम कर रहे हैं, तो प्लीज़ बच के रहें। इसलिए मैंने सोचा मैं ये वीडियो बना करके आप लोग के लिए डाल देती हूँ ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके उनके साथ में स्कैम ना हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।